हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने ऑनलाइन इस चैनल पर। तो मेरे दोस्त, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। और अभी आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या इंडिया इज होस्टिंग द IOC सेशन फॉर द सेकेंड टाइम बिफोर दिस इवेंट? वेन वॉज द फर्स्ट IOC सेशन हेल्ड इन इंडिया? भारत दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से पहले भारत में पहला आईओसी सत्र कब आयोजित किया गया था? ए है 1970, बी है 1983, सी है 1995 और डी है 2005। तो सर, आईओसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो सही आंसर है, क्या इसका सही आंसर है? 1983 में पहली आईओसी मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या इंटरनेशनल ओलंपिक ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून, 23 जून 1894। आईओसी दूसरी बार भारत मीटिंग कर रहा है, भारत में हो रहा, भारत मेजबानी कर रहा है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी भारत दूसरी बार कर रहा है। पहली बार कब हुआ था? 1983 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईओसी की? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। इसका सर मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? लुशाने। इसका मुख्यालय कहाँ पे है सर? लुशाने ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बेक। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस थॉमस बेच प्रेसिडेंट हैं इसके। और इसमें सर मेंबर कंट्री कितने हैं? मेंबर कंट्री कितने हैं? 205। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कमेटी का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। यानी 141वीं मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा? भारत कर रहा है। जिसके उद्घाटन कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, पहले इससे पहले कब कर चुका है? 1983 में किया था। 40 सालों बाद भारत को फिर से मेजबानी मिली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द 11th एडिशन ऑफ द सुल्तान ऑफ जौहर कप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2023? 2023 में सुल्तान जौहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है? ए है न्यू दिल्ली, बी है लाहौर पाकिस्तान, सी है जोहोर मलेशिया और डी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो सर, इसका जो सही आंसर है क्या है? जोहोर मलेशिया में। क्या इसका उद्घाटन होगा 2023 सुल्तान जोहोर कप का 11वां संस्करण का कहां पे आयोजित हो रहा है? जोहोर मलेशिया में। देखिए, कहां
कहाँ पे? इसमें जोहर कप में भाग लेने वाली 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। और ये क्या है? अंडर 21, क्या अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। सुल्तान जोहोर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है, जिसकी 20 सदस्यीय टीम का घोषणा कर दिया गया और जो कब होगा? 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक ये खेला जाएगा। कहाँ पे ये खेला जाएगा? सर मलेशिया में। चलिए ये देखिए, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इकोनॉमिक्स विद्वान स्कैनर लगा है, आप यहाँ से स्कैन करके सीधे टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे सारी पीडीएफ और सारी वीडियो का लिंक और जितने भी एग्जाम से रिलेटेड आपके कंटेंट होते हैं, अपकमिंग वैकेंसी, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। और ये सर मेरा टेलीग्राम, मेरी इंस्टा आईडी है, आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, बिना विदाउट एनी हेजिटेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मैं सीधे सीधे इसको न्यूज से उठा लिया हूं। क्या नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए? यानी नीरज चोपड़ा जो कंसिस्टेंट 2022 से लेकर 2023 तक गोल्ड मेडल जीते हैं जेवलिन थ्रो में, इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया। यानी दुनिया भर में 11 प्लेयरों को नॉमिनेट किया गया है। कितने? 11, जिसमें से नीरज चोपड़ा एक है। 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन और एशियन गेम 2022, जो अभी 2023 में संपन्न हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। कितना? 88.88 मीटर, क्या लंब, 88.88 मीटर दूर डिस्टेंस कवर किया इन्होंने जेवलिन थ्रो में, ठीक है। और सर ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक कौन सा? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ, कब का था ये? 2020 का। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता था? गोल्ड मेडल किसमें? भाला फेंकने में। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कब? 7 अगस्त, 7 अगस्त 2021 को। इसीलिए 7 अगस्त को प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, क्या भारत में भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। यानी 2022 में सरकार ने घोषणा करी हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, तो भारत सरकार के द्वारा देखिए हाल फिलहाल में कुछ ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे? सूडान में चलाया गया, भारतीय भारत सरकार के द्वारा भारतीयों को बचाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे? अभी टर्की में, जो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन करुणा चलाया गया सर कहाँ पे? म्यांमार में जो डिजास्टर आया था। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। और अभी कहाँ पे? इसराइल में, इसराइल में फंसे भारतीयों के लिए क्या? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चलाया गया इसराइल में फंसे भारतीयों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के, इस राज्य के मर्चा धान को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग क्या होता है सर? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ए है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो सर इसका सही आंसर क्या है? बिहार। बिहार के मर्चा धान को क्या दिया गया?
जीआई टैग दिया गया, और अभी आज ही क्या गोवा के, गोवा गोवा के काजू, गोवा के काजू को भी जीआई टैग दिया गया। गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया। आइए बिहार के किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया देखते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण में उत्पादित होने वाले मरचा धान को जीआई टैग दिया गया, निधान जो चावल की वैरायटी है। बिहार के अन्य जीआई टैग जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची बड़ी फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया। भागलपुर का जारदूल आम, भागलपुर का कतरनी चावल, मिथिला का मखाना और मगध का मगही पान, इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग क्या होता है सर? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। और इससे क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट की पहचान बनती है, और इससे क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड में इसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो इसकी कीमत बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो लोकेशन है, ये जगह है, ये भी क्या होता है, टूरिस्ट स्पॉट बनता है, और प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, इनकम का स्रोत बनता है किसानों का। तो बहुत बेनिफिट होता है अगर कोई प्रोडक्ट जीआई टैग पाता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के आयुष सेठी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता? ए है सिल्वर, बी है ब्रॉन्ज, और सी है गोल्ड मेडल, और डी है कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है सर, क्या इसमें से जो सही आंसर है, तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है बी इज द राइट आंसर, क्या ब्रॉन्ज मेडल आयुष सेट्ठी ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए भारत के आयुष सेट्ठी ने जो यूएस के स्पोकेन में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में क्या जीता, कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, गोल्ड किसने जीता, इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने जीता। ठीक है, बैडमिंटन विश्व महासंघ इसकी स्थापना कब हुई थी सर, 1934 में। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसमें कितने सदस्य देश हैं, 194 देश हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, पाल एरिक होयर लार्सन, जो कहाँ के हैं, डेनमार्क के जो इसके अध्यक्ष हैं। मेरे दोस्त देखिए, अभी हम जितने भी एक एक क्वेश्चन पे बहुत R&D होती सर, है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी देखिए तो एंड तक जरूर देखिए, और उन स्टूडेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए जो पहले हमारे से मतलब क्लास लगाते थे मेरी, अभी वो उनको नहीं पता है, वहां तक कोशिश करिए शेयर हो जाए वीडियो, और कुछ नए लोगों को जोड़िए जिन तक नहीं पहुंच पा रही। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कंटेंट पहले से कई गुना बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार क्लास को देखिए जरूर, ठीक है, और PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इकोनॉमिक्स विद मान, और मुझे डाउट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीछे हमने दे रखा है PDF में। अच्छा तो देखिए सर, अभी क्या है, संडे को आपका लूसेंट स्पेशल क्लास होगी, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट आपको स्पेशल कराया जाएगा, मैंने बताया था ना, और उसके बाद संडे या मंडे को ही मैराथन होगा, किसका, सितंबर का कंप्लीट मैराथन होगा। ठीक है, तो एक पूरी प्लांट की तरह हमने काम शुरू किया है, तो एकदम टारगेट की तरह पढ़ाई करेंगे, खास करके वो बच्चे जो जिनका एग्जाम दिल्ली पुलिस का है, तो ये तो एकदम लग जाइए। ठीक है, देखिए कुछ राजकीय पशु एवं पक्षियों के नाम जो राज्य के हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी नीलकंठ है, इसका पशु क्या है, काला हिरण है। बिहार का गौरैया है और पशु क्या है, गौर है। छत्तीसगढ़ का क्या, पहाड़ी मैना, और पशु क्या है, जंगली भैंसा। झारखंड का क्या है, कोयल है पक्षी, और हाथी क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या, पब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में चमके हैं कौन, भेल, कोल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और डी है NTPC। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या, इसका जो सही आंसर है NTPC, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, NTPC। ये भारत की 25% क्या इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करती है, इलेक्ट्रिसिटी
भारत की 25% बिजली का उत्पादन कौन करता है? एनटीपीसी ही करती है, ठीक है। आइए देखते हैं, एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता 2023 में से एक रूप में मान्यता मिली है। एनटीपीसी दुनिया की शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें नंबर पर रहा, जिसे यह सूची में एकमात्र पीएसयू है जो भारत से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भारत की पहली पीएसयू है जो शामिल हुई है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज गेट्स नवरत्न स्टेटस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ए है रीट्स लिमिटेड, और बी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और डी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या सर? इसका जो सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। क्या रीट्स, क्या आर आई टी ई एस, पूरा नाम क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। रीट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड रीट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 1974 की। तो रेलवे की कंपनी है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। अब इसको क्या, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो अब टोटल कितने हो गए? टोटल कितने? 16 हो गए, क्या नवरत्न? नवरत्न कितने हो गए सर? 16। ठीक है, अब महारत्न कितने हो गए? महारत्न कितने हैं? 13। 16 नवरत्न और 13 महारत्न कंपनियां हैं। आगे देखिए, रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है रीट्स, जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो रीट्स, इसके साथ ही रीट्स भारत का 16वां नवरत्न बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द हाईएस्ट स्कोरर इन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ए है सचिन तेंदुलकर, बी है रोहित शर्मा, सी है रिकी पोंटिंग और डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो सर कौन हो गया? रोहित शर्मा। अभी हाल ही में इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाया, और इस तरह से ये 7 शतक लगाकर 19 पारियों में कितना विश्व कप की, 2 विश्व कप खेला इन्होंने, और उसमें 19 पारियों में सर्वाधिक कितने? 7 शतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर कितने? इससे पहले 6, कुमार संगकारा 5 और रिकी पोंटिंग 5 शतक लगा चुके हैं। सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी कौन बन गए? रोहित शर्मा हो गए। कितना? 556 छक्के लगाए हैं, पहले नंबर पर है। दूसरे पे कौन है? क्रिस गेल साहब हैं, ठीक है, वामहस्त 553। और तीसरे नंबर पे कौन? शाहिद अफरीदी हैं, पाकिस्तान के, और ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं, क्रिस गेल साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑटोनोमस बॉडी? कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दे दिया? ए है माई इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान है, बी है माई यंग इंडिया, मेरा युवा भारत, सी है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, और डी है यंग इंडिया, युवा भारत।
तो सर इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, मेरा युवा भारत, माई यंग इंडिया। क्या? माई यंग इंडिया को अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी और ये एक नया ऑटोनोमस बॉडी बन गया। कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्था, मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दिया। प्राथमिक क्षेत्र के उद्देश्य से इस युवाओं के विकास हेतु सरकार का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम ध्यान युवाओं के नेतृत्व विकास और उनके कौशल में मदद करेगा। मेरा युवा भारत इसका लॉन्च कब किया जाए? 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर यूनिटी डे के अवसर पर, यानी सरदार पटेल के जन्मदिन पर क्या किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा, मेरा युवा भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में क्या किया? ट्रैवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया। तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ? गोवा पे, गोवा में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इनोग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर मोदी? ए है पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बी है क्या डेमोक्रेसी फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सी है क्या पार्लियामेंट्स फॉर ऑल, एंड डी है डेमोक्रेसी फॉर ऑल। तो इसका जो सही आंसर है क्या? पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये क्या है? जो 18th G20 हुआ था, 18th G20 9 to 10 सितंबर न्यू दिल्ली 2023, उसी का थीम है ये। क्या? उसी का थीम था ये, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसी में पार्लियामेंट्री फॉर आर कर देंगे तो क्या 9th G20 संसदीय शिखर सम्मेलन का ये थीम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत की संसद G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2023 महीने के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति क्या है? तो इन्फ्लेशन की रेट अभी RBI ने रिलीज किया है तो कितना है सर? ए है 5.02%, बी है 6.83%, बी और सी क्या है 9.94%, डी है 7.41%। तो इसका जो सही आंसर है क्या? ए इज द राइट आंसर। CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे? खुदरा मूल्य सूचकांक, यानी रिटेल में। अब ये रिटेल के जो प्रोडक्ट है सर, ये रूरल और अर्बन के बिहाफ पे, यानी रूरल एंड अर्बन, तो रूरल में कितने प्रोडक्ट लिए जाएंगे सर? रूरल में 448, काउंटिंग में कितने? 448 प्रोडक्ट लिया जाता है। और अर्बन में कितना? 460, ठीक है। ये प्रोडक्ट काउंटिंग में लिए जाते हैं, यानी इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन की बात करें सर, तो नेचुरल इन्फ्लेशन कितना होता है? नेचुरल इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए? 4 ± 2, यानी 2 to 6% के बीच में रहना चाहिए। तो अभी CPI क्या है? कंट्रोल्ड में है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये काउंटिंग किस पे करते हैं सर? बेस ईयर पे करते हैं, बेस ईयर। तो बेस ईयर ऑफ इंडिया का 2011 12। बेस ईयर क्या है? भारत का आधार वर्ष। क्या? इसी के आधार पे महंगाई की गणना की जाती है, आधार वर्ष के आधार पर। इन 2011-12 में वस्तुओं की कीमतें क्या थी और अब क्या है, उसी के आधार पे महंगाई देखी जाती है। तो अगर बेस ईयर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 2011-12। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में चेंज हुआ है, 2017-18 कर दिया गया, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। चलिए, भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति अगस्त में कितना थी? 6.83 की तुलना में अभी कितना? 5.02 हो गई है। ठीक है, और खाद्य महंगाई दर 6.56 रही, जबकि अगस्त में कितना थी? 9.94% थी। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक ने इसका काउंटिंग कौन करता है? रिजर्व बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवे P2 यानी पार्लियामेंट्री 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो अभी पीछे ही बताया था, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए, नवे पार्लियामेंट्री 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13-14 अक्टूबर 2013 को कहाँ पे? नई दिल्ली में होगा। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित यशो भूमि। ये यशो भूमि कहाँ पे? भारत मंडपम प्रगति मैदान। सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ IPU के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा किया जा रहा है। चलिए, नवे P2 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? एक पृथ्वी, अभी बताया था, एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, ये सब उसके बारे में दिया गया है। इस शिखर सम्मेलन में चार विषय रखे गए हैं। क्या? सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तेजी लाना, और सतत ऊर्जा बदलाव पर केंद्रित करना। अब SDG की बात करें तो भारत का पहला शहर SDG को फॉलो करने वाला कौन सा? भोपाल। कौन सा? भोपाल भारत का पहला शहर है जो SDG को फॉलो करता है। ठीक है, और ये UPPCS में आया था। तो देखिए, आगे देखते हैं। तो संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन यह G20 के सांसदों के अध्यक्षों यानी हर जो G20 देश हैं उनके जो सांसद संसद के अध्यक्ष हैं उनकी एक समूह की मीटिंग है, जिसमें जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अनौपचारिक रूप से शुरुआत 2010 में कनाडा में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, और औपचारिक रूप से ऑफिशियल रूप से 2018 में कहाँ पे? अर्जेंटीना में पांचवा शिखर सम्मेलन हुआ। आठवां कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। और नवा कहाँ हो रहा है? भारत में, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। IOC अभी पीछे बताया था आपको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सस्पेंडेड। ठीक है, ओलंपिक कमेटी फॉर चार्टर वायलेशन इन अक्टूबर 2023। IOC ने अक्टूबर 2023 में चार्टर के उल्लंघन के लिए ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया। किसके? यूक्रेन, बी रूस, और सी है उत्तर कोरिया, और डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। रशिया को सस्पेंड कर दिया गया IOC के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के कार्यकारी बोर्ड ने गुरुवार को चार्टर उल्लंघन के तत्काल प्रभाव से रूसी ओलंपिक संघ को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। यह फैसला कब? 141वां सत्र जो 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित होगा। कहाँ पे? दूसरी बार होगा, सेकेंड टाइम अभी बताया था। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करवाइए, चैनल ट्रेंडिंग में ला दीजिए। मैं संडे को मैराथन लगाऊंगा, GS स्पेशल के लिए लूसेंट भी कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा। आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो मेरा जो 30-day टारगेट है अभी दिल्ली पुलिस का, उसके लिए मेरा मेन इफेक्ट है, मेन इफर्ट इसीलिए है। अब बाकी हर एक एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम के कंटेंट और ये जो अभी क्वेश्चन है इसके कंटेंट को आप पढ़ के देखेंगे तो खुद रियलाइज होगा, बहुत सारे सोर्सेज यूज किए जाते हैं इसमें। तो देखिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ। नमस्कार।